कांग्रेसी राज में एक रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते घिसकर 15 पैसे हो जाता था। बाकी के 85 पैसे कांग्रेसी आपस में मिल बांटकर खा जाते थे। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकारें बनाती रही है, लेकिन आज भी देश के लोग गरीबी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों की नाकामी के पीछे वो कांग्रेसी संस्कृति है, जिसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सब चलता है वाली लूट की समझ। सवाल ये है कि आखिर वे कौन से तरीके थे जिसके सहारे कांग्रेसी सरकारें देश के खजाने में दशकों तक सेंध लगाती रहीं। वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से तरीके और तरकीबें लगाता था, लेकिन 5 ऐसे तरीके थे जिसके सहारे जमकर लूट मचाई गई। कांग्रेसी लूट तंत्र का सबसे पहला और बड़ा तरीका था ट्रस्ट और फाउंडेशन के जरिए माल कमाने का। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पी चिदम्बरम ट्रस्टी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गलत इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किया गया। कई सरकारी उपक्रमों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किया था। इनमें गृह मंत्रालय समेत 7 मंत्रालय और 11 बड़े सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल थे। ये सब दान तब किए गए जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस समय यूपीए की चेयरपर्सन थीं। राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत स्थित चीनी दूतावास, चीनी सरकार, जाकिर नाइक के साथ साथ करोड़ों रुपए के घोटाले में फरार मेहुल चौकसी ने भी दान दिया था। दूसरा और सबसे कारगर तरीका सब्सिडी लूट का था। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को भोजन, मकान, रोजगार इत्यादि के उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपने इस संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आम बजट से लाखों करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करती है, लेकिन कांग्रेसी सरकारों के दौरान गरीबों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को दिए गए लाखों करोड़ रुपए किसे दिए गए और कैसे दिए गए, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता था। सरकारी अधिकारी या किसी कांग्रेसी नेता के प्रमाण को आधार मानकर ये लाखों करोड़ रुपए बांट दिए जाते थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण है 2008 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा किसानों के 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना। इनमें 40% ऋण ऐसे किसानों का माफ किया गया जो किसान थे ही नहीं, जिन्होंने खेती के अलावा मोटरसाइकिल, घर के मकान इत्यादि के लिए ऋण ले रखा था। दशकों तक ऐसे ही कांग्रेस की सरकारों ने गरीबों के नाम पर सब्सिडी या ऋण के धन को लुटाया और गरीबी हटाओ के नारे से देश की जनता को बेवकूफ बनाया। रक्षा सौदों में दलाली कांग्रेस के जमाने में खूब हुए। कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी रक्षा सौदे हुए, उनमें कंपनी से शस्त्रों को खरीदने के लिए जमकर दलाली खाई जाती थी। बोफोर्स एक ऐसा घोटाला था जो राजनीतिक दलों के विरोध के कारण जनता के सामने आया। ये ऐसा घोटाला था जिसमें कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इससे पहले जितने भी रक्षा सौदे होते रहे थे, उनकी दलाली के बारे में जनता को पता ही नहीं चलता था। बोफोर्स के बाद स्कॉर्पियन पनडुब्बी का घोटाला भी जनता के सामने आया। कांग्रेस की सरकारों ने देश की भू संपदा को सार्वजनिक उपयोग के नाम पर अपने इकोसिस्टम में लोगों को अनाप शनाप तरीके से बांटा। इस नीलामी में पहले आओ पहले पाओ के नियम बनाए गए और सूचनाओं को उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के चहेते थे। 2G घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन आवंटन का घोटाला इत्यादि ऐसे घोटाले थे जो राजनीतिक दलों के मुखर होने के कारण जनता के सामने आ सके। कांग्रेस इन भू संपदाओं की नीलामी की एवज में पार्टी फंड चंदा लिया करती थी। रक्षा दलाली गरीबों की सब्सिडी के पैसे, भू संपदाओं की नीलामी में कमीशन से मिले पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और इन सब के इकोसिस्टम ने फर्जी कंपनीज का एक जाल बुन रखा था। इन फर्जी कंपनीज का देश को पता भी नहीं चलता। यदि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी न की होती, इस नोटबंदी के कारण देश में करीब 3 लाख फर्जी कंपनीज का पता चला। ये फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं, जिनका उपयोग देश में भ्रष्टाचार से पैदा किए गए काले धन को विदेशों में पहुंचाने के लिए किया जाता था, जिसे हवाला व्यापार कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी कंपनीज को बंद करके इनके निदेशकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कांग्रेस के वे तरीके थे जिसने उसे अपने दशकों की सरकारों के दौरान बनाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।